अगर आप अपनी औरत को बिस्तर में संतुष्ट नहीं कर पाते, उसका पानी नहीं झाड़ पाते, आपकी औरत जोश में ही रहती है और आपका वीर्य निकल जाता है, आप अपने बीवी का पानी झाड़कर उसे संतुष्ट करना चाहते हैं, उसकी गुफा को फुलाना चाहते हैं, उसे मज़ा देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, वरना कभी ज़िंदगी में अपनी बीवी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। शीघ्र पतन, घात रोग, स्टैमिना, नपुंसकता, स्पर्म काउंट का कम होना, लिंग में तनाव का न होना, टाइमिंग की कमी, सेक्स संबंधित किसी भी समस्या का पाएं बेहतर इलाज, झिझके नहीं, अभी कॉल कर। शीघ्र पतन, घात रोग, स्टैमिना, नपुंसकता, स्पर्म काउंट का कम होना, लिंग में तनाव का न होना, टाइमिंग की कमी, सेक्स संबंधित किसी भी समस्या का पाएं बेहतर इलाज, झिझके नहीं, अभी कॉल। तो चलिए जाने इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आपको पता ही है, आजकल के 95% पुरुष ऐसे हैं जो अपनी औरत या गर्लफ्रेंड को अपने पास तो बुला लेते हैं, उनके अंदर अपना औजार घुसा तो देते हैं, लेकिन अपनी औरत या गर्लफ्रेंड का पानी झाड़ ही नहीं पाते। अगर आप भी अपनी औरत या गर्लफ्रेंड को संतुष्ट नहीं कर पाते, उसका पानी नहीं निकाल पाते, तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना चाहिए, वरना आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड किसी और से ठुकवाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जाने, अगर आपका वीर्य बहुत ही कम समय में झड़ जाता है, तो आपको यह तीन चीजें लेनी होंगी। सबसे पहली चीज, आपको 25 ग्राम की मात्रा में इलायची और 50 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है बादाम और 25 ग्राम की मात्रा में जामुन के बीज की गिरी, मतलब कि जामुन का बीज के अंदर जो हरा वाला हिस्सा होता है, उसी को लेकर के सुखा करके पीस करके पाउडर कर लेना है। तीनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करके किसी कांच के जार में भर कर रखना है। प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने के बाद एक चम्मच मुंह में रख कर चूसें, और ऊपर से आपको 15 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, सिर्फ लगातार 10 दिनों तक इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर लो। आपका लिंग से वीर्य झड़ेगा नहीं, ठोकते ठोकते थक जाओगे, शरीर से पसीना निकलेगा, लेकिन आपका वीर्य नहीं झड़ेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।